नोबिता की दोस्ती। हेलो, हाँ वो हमारे यहाँ खाना बनाने का तेल खत्म हो गया है, आप क्या उसे घर पर डिलीवर कर सकते हैं? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। उन्होंने कहा ये काम शाम तक ही हो पाएगा। चलो देखते हैं। ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। क्या? मुझे सर्दी आई की वजह से बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या तुम जाकर हीटर निकालोगी? हाँ शायद ये गैजेट काम आ जाए। स्पिरिट कॉलिंग ब्रेसलेट। इससे क्या होगा डोरेमोन? पुराने जमाने के लोगों को लगता था कि हर चीज में थोड़ी जान होती है। फायर स्पिरिट, वाटर स्पिरिट, विंड स्पिरिट, ट्री स्पिरिट और भी बहुत कुछ। ये किसी भी स्पिरिट को बुला सकता है। इसको ऐसे रब करो और बस नाम लो। फायर स्पिरिट आ जाओ, फायर स्पिरिट हमारे पास आ जाओ। कितना गर्म है। देखो ये है फायर स्पिरिट। अब जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या जलाना है। नहीं नहीं कुछ जलाना नहीं है, बस ऐसे ही रहिए। लेकिन इसमें तो कोई मजा नहीं। मेरा काम है चीजों को जलाना, मैं हूँ फायर स्पिरिट। ठीक है मैं आके पर्दे जला देता हूँ, आसानी से जल जाएंगे। मुझे अपना काम करने दो, मुझे रोको मत। तुम दोनों जरा कम शोर मचाओ प्लीज। जब तक उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे कि फायर स्पिरिट को फायर और वाटर स्पिरिट को वाटर की जरूरत होती है। चलो ये तो अच्छा हुआ हम दोनों बच गए, नहीं तो पता नहीं मॉम हम पर कितना गुस्सा करती। बर्फ पड़ रही है नोबिता। हाँ अब तो ठंड और भी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि घर में ठंड हो रही है तो क्यों ना ऐसा करें कि बाहर जाकर खेलें डोरेमोन। नहीं इतनी ठंड में मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तुम ही चले जाओ। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मैं तो सो रहा हूँ। बाय। कोई बाहर खेलने आया होगा या नहीं? यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता नहीं खेलने में मजा आएगा। बहुत ठंड है, ये ठंड स्नो स्पिरिट की वजह से है। ये क्या, कौन हो तुम? ये क्या कह रही हो? तुमने तो मुझे यहाँ बुलाया था। मैंने बुलाया? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ सचमुच तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया था। क्या ये ठंड स्नो स्पिरिट की वजह से हो रही है? स्नो स्पिरिट की वजह से? स्नो स्पिरिट? अरे हाँ स्नो स्पिरिट। मैं तुम्हें वही तो कह रही हूँ कब से, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मुझे बुलाया। हाथ ठंडे हो गए। बर्फ ठंडी ही होती है। देखो अगर तुम स्नो स्पिरिट हो तो स्नो को बढ़ा सकती हो। हाँ जरूर, देखो यही तो मेरा काम है। मजे कर रहे हैं, सच
क्या शॉट मारा! मेरा शॉट तो कमाल का लगा जाकर। तुम ऐसे नहीं मानोगे। क्या कहा तुमने? जान लगता है नोबिता को मजा चखाना ही पड़ेगा। लगता है अब मुझे ही तुम्हें मजा चखाना पड़ेगा। नोबिता, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो और खेलते हैं। यहाँ पर ज्यादा बर्फ है, इग्लू बनाए। अरे वाह, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तुम मेरा कमाल देखो। देखा, मैंने
कहा था ना कि मामला और बिगड़ जाएगा। ये सब तुम्हारे स्नो स्पिरिट को बुलाने की वजह से हुआ। तुम उदास क्यों हो? मुझे ठंड लग रही है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। इतनी देर तक बर्फ में खेलने को किसने कहा था? अब बुखार हो गया। मॉम, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अब हम क्या करें? डॉक्टर कह रहे हैं कि वो भी नहीं आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है कि हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। नोबिता, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी कुछ दवाइयाँ दी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है उनसे इसका बुखार उतर जाएगा। अब बस इसकी तबीयत और ज्यादा खराब ना हो। तुम यहाँ पर तुम ऐसे ही लेटी रहो। ये मौसम कितना अच्छा और ठंडा है। मैं तुम्हारा बुखार ठीक कर दूंगी। तुम एक मिनट में ठीक हो जाओगे। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन स्नो पर वो तो चलता है। ये तो होता ही है, स्नो को जाना ही होता है। पर पहले तो तुम कह रही थी तुम नहीं। हर वो स्नो क्या कहा? बर्फ पड़नी तो कब की बंद हो गई? यहाँ कुछ ज्यादा ही स्नो हो गई थी। पर मुझे खुशी है कि अब तुम ठीक हो गए हो नोबिता। हाँ, शुक्रिया। नोबिता, तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो लेट जाओ। अच्छा हुआ कि ठंड कम हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ।